हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर विच आपां 11th क्लास हिस्टरी दे फर्स्ट चैप्टर नूं कॉन्टीन्यू करांगे। इस तो पहला तीन वीडियो लेक्चर बन चुके हैं ते यह फोर्थ पार्ट है। इस वीडियो लेक्चर विच भी मैं लाइन टू लाइन पंजाबी एक्सप्लेनेशन करांगा। लैट्स स्टार्ट। मोड्स ऑफ कम्यूनीकेशन लैंग्वेज एंड आर्ट। जिन्हें भी लिविंग बींगस हैं उन्हां विच केवल मनुख ही हैं जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लैंग्वेज की डिवेलपमेंट के संबंध में बहुत सारे विचार मिलते हैं, जिमें कि होमिनिड लैंग्वेज में जैसचर या हैंड मूवमेंट भाव इशारों एक दूजे तालमेल करना इसकी वरतों करते सन। स्पोकन लैंग्वेज में भी वह बोलते तो सी पर केवल कुछ सिंगिंग या हमिंग वगैरह ही होंगी सी, कोई प्रॉपर वर्ड यूज नहीं किए जाते सन। जो ह्यूमन स्पीच शायद उन्होंने आवाजा तो शुरू हुई जो पिरामिड्स में देखिया गई सन। ह्यूमनस ने शायद शुरुआत विच छोटियां छोटियां आवाजां कढ़नियां शुरू कीतियां ते हौली हौली यह शायद एक भाषा के रूप में बदल गई। हुण बोलचाल वाली बोली कदों आई यह भी एक प्रश्न है। यह मनिया जाता है कि होमो हैबिलिस दे दिमाग दे कुछ एहो जिहे फीचर सन जिन्हां दे करके वह बोल सके। इस तरह असीं यह कह सकते हाँ कि भाषा की शुरुआत 2MYA यानी कि मिलियन ईयर्स अगो पहला हुई होगी। बोलचाल की भाषा की उत्पत्ति बहुत ही महत्वपूर्ण सी ते यह लगभग 2 लाख साल पहला की गल है। यह जो अज दे मॉडर्न ह्यूमन की भाषा नाल काफ़ी रिलेटड है। यह भी मनिया जाता है कि लैंग्वेज ते आर्ट एको समय डिवेलप हुए। यह लगभग 40,000 तो 35,000 साल पहला की गल है। स्पोकन लैंगुएज की डिवेलपमेंट क्लोजली कनैक्टड है कला के नाल, क्योंकि दोवें ही कम्यूनीकेशन के साधन हैं, क्योंकि तस्वीरों नूं देख के भी सानू पता लगता है कि इस विच कुछ कहा जा रहा है। तस्वीरों तो भी सानू स्पष्ट हो जाता है कि की कहा जा रहा है। केव पेंटिंग्स एट अल्टमीरा। अल्टमीरा स्पेन विच एक केव साइट है। इस दीआं छत्तां उत्ते जो पेंटिंग की गई हुई सी इस वाल सब तो पहला ध्यान मार्सी लीनो सैंस दे साउताउला दा जो एक लोकल लैंड ओनर सी ते शौकिया तौर ते आर्कियोलॉजिस्ट भी सन हो, जो कि अपनी पुत्री मारिया दे नाल नवंबर 1879 विच उत्थे आए। छोटी बच्ची केव विच इधर उधर दौड़ रही सी ते खेड रही सी, जबकि उसके पिता उस गुफा दी फ्लोर ते टोआ पुट रहे सन। अचानक उस लड़की ने छत उपर पेंटिंग देखी। देखो पापा, ऑक्सन। उस तो अगे पहला तो उसके पिता हसे, पर जल्दी ही उन्होंने ये एहसास होया कि किसी किस्म के पेस्ट की वरतों की गई सी पेंट की जगह पर। उस पेंटिंग बनाने लई ते ओहो एहो इन्ने ज्यादा एक्साइटेड हो गए कि मूँह तो कुछ बोल ही ना सके। अगले ही साल उन्होंने एक बुकलेट भी पबलिश की इस संबंध में, पर यूरोपियन आर्कोलॉजिस्ट ने अगले 2 दहाकों तक उन्हों की गल नू ना मन्या ते ए कहंदे रहे कि यह पेंटिंग बहुत पुरानी नहीं हो सकती। कई 100 पेंटिंगां जानवरां दीआं मिलदीआं हन लक्सक्यूव्स अते शॉवेट विच। इन्हां दोवें थावां ते कई जानवरां दीआं पेंटिंग्स भी मिलदीआं हन। ये दोवें थां फ्रांस विच ही हन अते अल्टमीरा विच भी मिलदियां हन जो कि स्पेन विच है। इन्हां विच बाइसन हॉर्सस आईबैक्स डीर मैमोस राइनोज लायंस बीयर्स पैंथर्स हाइंस अते ऑल्स दियां तस्वीरां हन। इस तरह बहुत सारियां जानवरां दियां तस्वीरां भी मिलदियां हन। बहुत सारे प्रश्न इन्हां पेंटिंग्स बारे उठदे हन, उस दे मुकाबले उत्तर बहुत घट मिलते हैं, जिमें कि गुफा दे एक एरिए विच ही पेंटिंगां क्यों हन, दूजे विच क्यों नहीं, कुछ ही जानवरां उत्ते पेंट क्यों किए गए हैं दूजियां ते क्यों नहीं किए गए, आदमी इकले इकले भी पेंट किए गए हैं ते ग्रुप्स विच भी पेंट किए गए हैं जबकि औरतां ग्रुप्स विच ही दिखाईआं गईआं हन, अजिहा क्यों है, आदमियां नूं ही जानवरां दे नेड़े पेंट किया गया है औरतां नूं क्यों नहीं किया गया, जानवरां नूं गुफा दे उस भाग विच ही क्यों पेंट किया गया है जिथे साउंड चंगी तरह बाहर आ सकती है। इस तरह के कुछ प्रश्न उठते हैं जिन्हां दे उत्तर नहीं मिल सके। इस संबंध में बहुत सारिया एक्सप्लेनेशन दित्तियां गईयां।
एक तां इह सी कि शिकार उस समय बहुत महत्वपूर्ण सी। पेंटिंग्स रीति रिवाजां जां जादू नाल भी संबंधित सन। यह भी कहा जाता है कि पेंटिंग करना एक रिवाज भी हो सकता सी। एक सफल शिकार उन्होंने किया है तो उस संबंध में उसकी पेंटिंग बना देंदे होंगे। यह भी कहा जाता है कि यह केव्स उन्हां लोकां दे कोई समॉल ग्रुप्स दियां मीटिंग्स लई जां होर ग्रुप एक्टिविटीज़ लई वरतियां जांदियां होणगियां। यह ग्रुप्स हो सकता है कि इत्थे अगले अपने शिकार करन दियां टेक्नीक्स जां नॉलेज वगैरह शेयर करदे होणगे, यह भी गल मन्नी जांदी है। तो यह भी हो सकता है कि यह पेंटिंग्स हन ते एंग्रेविंग जो हुई है, पेंटिंग्स बनाई गई हैं, एंग्रेविंग हुई है। एंग्रेविंग होंदा कोई पत्थर दे उत्ते कोई चीज़ घड़नी। यह एक जनरेशन तो दूजी जनरेशन तक इनफॉर्मेशन पास करन दा ढंग होवेगा। जो भी उपर दस्या गया है अर्ली सोसाइटीज़ बारे, यह आर्क्योलॉजिकल एविडेंस के आधार उत्ते दस्या गया है। यह गल साफ ही है कि हाले भी बहुत कुछ है जो असी हाले भी नहीं जानते। जिमें कि चैप्टर के शुरू में ही दस्या गया है कि हंटर गैदरिंग सोसाइटीज़ अज भी हैं। कि कोई पहलां दियां सोसाइटीज़ बारे जान सकता है अज के हंटर गैदरर्स तो? यह प्रश्न उठता है। इस सवाल बारे असी तुहानू अगले सैक्शन में दसांगे। अर्ली एनकाउंटर विद हंटर गैदरर्स इन अफेरिका, यह नैक्सट पॉइंट है। अर्ली एनकाउंटर विद हंटर गैदरर्स इन अफेरिका। अगे ये जो सानू अकाउंट दिता गया है, यह एक अफ्रीकन पैस्टल ग्रुप के मैंबर द्वारा दिता गया। पैस्टल होंगे जो चरवाहे वगैरह होंगे है, उन्होंने कहा जाता है। एक अफ्रीकन पैस्टल ग्रुप के मैंबर द्वारा यह दिता गया है, जो कि 1870 एक हंटर गैदर सोसायटी कोंगसैन नू कालाहारी डेजर्ट्स विच मिलिया। जदों असी पहली बार इस इलाके विच आए तो असी देखिया कि सैंड उत्ते अजीब जिहे फुटप्रिंट सी। असी हैरान सी कि यह किहो जिहे लोग सन। यह साढ़े तो बहुत डरदे सन, तो जद असी कोल जांदे सां तां लुक जांदे सन। असी उन्हां दे पिंड लभे पर वह हमेशा ही खाली रहिंदे सन, क्योंकि जिवें ही वह देखदे कि कोई अजनबी आ रहा है वह इधर उधर खिलर जांदे सन जां झाड़ियां विच लुक जांदे। तां असी कहा कि ये तो बड़ी चंगी गल है कि ये लोग साढ़े तो डरते हैं, ये कमजोर हैं, तो असी इन्हां तो बड़ी आसानी नाल राज कर सकते हैं। अते उन्हां ते राज करना शुरू भी कर दिता। कोई महामारी सॉरी मारामारी जां झगड़ा ना होया साढ़े विच, अते असी उन्हां ते राज करना शुरू कर दिता। जब तुसीं थीम्स 8 ते 10 पढ़ोगे ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹੰਟਰ ਗੈਦਰ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕੋਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦਾ ਹਾਜਾ। ਹਾਜਾ ਹੰਟਰ ਗੈਦਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੇਕ ਅਯਾਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲਟ ਰਿਫਟ ਵੈਲੀ ਲੇਕ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਕ ਈਸਟਰਨ ਹਾਜਾ ਵੱਲ ਹੈ ਕੰਟਰੀ ਦੇ। ਡਰਾਈ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੌਕੀ ਸਵਾਨਾ ਘਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੰਡਿਆਲੀ ਝਾੜੀਆਂ ਹਨ, ਅਕੈਸੀਆ ਟਰੀਜ਼ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਫੂਡ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਲੀਫੈਂਟਸ, ਰਿਹਾਈਨੋ, ਬਫੈਲੋ, ਜਿਰਾਫ, ਜੈਬਰਾ, ਵਾਟਰਬਕ, ਗਜੈਲੀ, ਵਾਟਰਹੌਗ, ਬੈਬੂਨ, ਲਾਇਨ, ਲਿਓਪਰਡ ਅਤੇ ਹਾਈਨਾ ਸਾਰੇ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੋਰਸੀਪਾਈਨ, ਹੇਅਰ, ਜੈਕਲ, ਟੋਰਟੋਇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਹੰਟਰ ਗੈਦਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਮੀਟ ਇੱਥੇ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਮੀਟ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮੀਟ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਹੰਟਰ ਗੈਦਰ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੂਟਸ, ਬੈਰੀਜ਼, ਬੈਬੇਜ਼ ਟਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੂਟ ਹੋ ਗਏ,
आदि काफ़ी होंदे सन। जिवें कि आपां कह दिंदे हां कि इन्हां उत्ते आम लोकां दी घट नज़र पैंदी सी। इत्थों तक कि भावें ड्राई सीजन हुंदा जां सोका वगैरह पै रहा हुंदा, इह काफ़ी मात्रा विच मिलदे। वैजीटेबल फूड जो अवेलेबल हुंदा सी ਉਹ 6-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਵੈਟ ਤੇ ਡਰਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਹਿਦ ਤੇ ਗ੍ਰਬਜ਼, ਜੰਗਲੀ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਨ 7 ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਗ੍ਰਬਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕੀਟ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸ਼ਹਿਦ ਤੇ ਗ੍ਰਬਜ਼, ਜੰਗਲੀ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ 7 ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸੀਜ਼ਨ ਟੂ ਸੀਜ਼ਨ ਤੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵੀ ਵੈਟ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਡਰਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਜ਼ਾ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ 5 ਜਾਂ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ 1-1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, 1-1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਾ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਜ਼ਾ ਕਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਕੈਂਪ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਜੋ ਈਸਟਰਨ ਹਾਜ਼ਾ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਂਡ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਮਨ ਕਰੇ, ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੂਟਸ, ਬੈਰੀਜ਼ ਤੇ ਹਨੀ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਨਵਰ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਮੈਟਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਖਾਣ ਲਈ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ 80% ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ 20% ਮੀਟ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਪ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵੈਟ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਡਰਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕੈਂਪ ਤੇ ਵਾਟਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕੈਂਪ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਟਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਡਰਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋਕੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਦੇ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਪਾਰਟ ਹੈ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ, 5th ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਹੈਵ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਇਟ, ਐਂਡ ਫੋਰ ਬੈਟਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਓਪਨ ਯੂਅਰ ਹਿਸਟਰੀ 11th ਕਲਾਸ CBSE ਹਿਸਟਰੀ ਬੁੱਕ, ਦੈਨ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਫੋਰ ਯੂ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਬੈਟਰ। ਥੈਂਕਸ।